Hello students, now today we have to discuss your topic intersection of a sex. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या है आपके पास? सपोज दैट आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी है. लेट कर लिया मैंने, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5. अब यहां पे अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उल्टा आपके पास सिंबल यू है. तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यहां से लेट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो जाएगा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं. अगर दो सेट्स हमारे पास ए और बी हैं तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना. तो चलिए इसमें दोनों से कॉमन एलिमेंट्स कौन है, ये ए है ये बी है, तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें 2 है, 2 को लिख लीजिए, दोनों में कॉमन 3 है, 3 लिख लेंगे. तो ये आपका ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया. तो इस तरीके से किसी सेट्स का आप क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है. तो मेनली क्या है इंटरसेक्शन, क्या होता है आपके पास कॉमन एलिमेंट जो कि आपके पास ए और बी दोनों में कंटेन है, ठीक है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. यानी इंटरसेक्शन जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, वो हमारे पास ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा, ऐसा आपके पास इंटरसेक्शन है. तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, इफ ए एंड बी बी अ टू सेट्स, If A and B be the two sets, then the common elements, of A and B are the intersection, intersection of sets A and B. तो ये हमारे पास क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होगा A और B में वो क्या कहलाएगा, A और B का इंटरसेक्शन कहलाएगा और ये इसका रिप्रेजेंट है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A इंटरसेक्शन B. And A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. तो ये आपके पास intersection of the sets है, okay? कुछ और भी example आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो ये हमारे पास क्या है, sets का intersection है. अब यहां पर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम क्या हो सकता है, मैंने कहा कि कॉमन एलिमेंट्स, तो देखिए मैंने यूनियन में भी बात की थी वेन डायग्राम में, इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं. तो सपोज दैट ये हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन यहां से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. ये आपके पास यूनियन सेट है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सेट बना हुआ है जिसमें आपके पास ए बी है, बी बी टर्म है. तो ए बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो आप देखें ध्यान से, तो ए बी में कॉमन पार्ट हमारे पास क्या दिख रहा है, जो दोनों को कंटेन कर रहा है, ये वैल्यू दिख रही है, तो इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं. तो ये पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है. ये पार्ट क्या दिखा रहा है, कि जो आपका कॉमन एलिमेंट दिखा रहा है और ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है. ओके चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट. ओके अच्छा, डिसजॉइंट सेट से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी पर इसका डिस्कशन कर लेते हैं. इसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की. तो प्रॉपर्टी नंबर वन हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या रही है, कम्यूटेटिव लॉ. इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा. तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं.
दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमारे पास तीन सेट्स होते हैं। सपोज दैट हमारे पास तीन सेट है ए बी एंड सी। तो अगर हम यहां पर बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ए बी का इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, सी के साथ। फिर बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, ए के साथ ले रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके पास है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला आपके पास है लॉ ऑफ फाई एंड यू, लॉ ऑफ फाई एंड यू। तो भाई फाई और यू, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। तो अगर हम बात करें कि ए इंटरसेक्शन फाई, यानी ए और फाई का हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। फाई हमारे पास नल सेट होता है और ए हमारे पास कोई सेट है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, यानी क्या मिलेगा हमारे पास, नल सेट मिलेगा। अब अगर यूनियन की बात करें तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब ए का हम, सॉरी यूनियन नहीं ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। जब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट्स क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होता है और ये हमारे पास एक छोटा सा सेट है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ए में एलिमेंट्स आएंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ए के इक्वल होता है। ये है आपके पास लॉ ऑफ फाई एंड यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला आपके पास लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का उसके खुद के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके स्वयं के एलिमेंट्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर हम इसकी बात करें तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए के साथ लेंगे, यूनियन लगा हुआ यूनियन लगा दिया, और फिर सी के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये हमारे पास कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट की। इसको आप देख लीजिए, ये आपके पास प्रॉपर्टियां हैं और ऐसी कुछ प्रॉपर्टियां मैंने आपको यूनियन में भी लिखाई थी, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन में इनका प्रूफ भी होता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, सपोज दैट आपके पास दो सेट हैं ए और बी। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, या आपके पास दो सेट्स हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी, और आप क्या निकाल रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हो, और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, फाइव के इक्वल हो जाए। मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं देन ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट। तो इस केस में ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सपोज दैट हमारे पास है 1 to 5 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है 4, 8, 9। अब यहां पर अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, 5। सो ए एंड बी आपके पास क्या है, आर द डिसजॉइंट सेट। तो इस केस में हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ओके। इनके वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम अगर इनका बनाए तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये इसमें ए और बी क्या होंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। एक ही तरह से इनकी इस तरीके से बना लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे। तो ये क्या है, इसका वेन डायग्राम है। किसका वेन डायग्राम है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव का है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव का मतलब हो गया कि ये ए बी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, ओके। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ ए सेट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ ए सेट्स।
डिफरेंस ऑफ ए सेट्स। तो सपोज दैट हमारे पास डिफरेंस करने के लिए भी दो सेट्स होने चाहिए। इफ ए एंड बी, बी आर टू सेट्स, ये दो सेट्स हमारे पास हैं और हम क्या निकाल रहे हैं, ए माइनस बी निकाल रहे हैं। तो ए माइनस बी क्या कहलाएगा, ए और बी का डिफरेंस क्या लाएगा, और ये क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी तो बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें एलिमेंट्स किसके नहीं होने चाहिए, बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास है ए माइनस बी। ओके, अगर हम बात करते हैं बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स बी के लिखे जाएंगे और उसमें एलिमेंट्स यक्स किसका नहीं होगा, ए का एलिमेंट्स उसमें नहीं होगा। ये होता है बी माइनस ए। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज दैट हमारे पास ए इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है 2, 3, 5, 8, 9। ठीक है, तो अगर हम यहां से ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो a माइनस बी का मतलब ये होगा कि सारे एलिमेंट्स किसके लिखे जाएंगे, a के लिखे जाएंगे और a से वो एलिमेंट आप हटा दीजिए जो b में शामिल है। तो चलिए इसमें पहले 1 लिखेंगे, ठीक है, और 2 आपका किसका है, b में है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी b में है इसको नहीं लिखेंगे, 4 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि b में नहीं था, और 5 आपके पास b में तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास है a माइनस बी। अब अगर हम यहां से b माइनस a निकाल रहे हैं तो देखिए सारे एलिमेंट्स यहां पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, ऑल एलिमेंट्स किसके होंगे, b के होंगे। तो देखिए यहाँ पर बी के ऑल एलिमेंट्स क्या है, आपके पास बी में एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 8, 9। तो ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, इसमें से केवल वो एलिमेंट आप हटा दें जो आपके पास ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ए में कौन कौन बिलोंग कर रहा है, देखो 2 बिलोंग कर रहा है, 2 नहीं लेंगे, 3 बिलोंग कर रहा है, 3 नहीं लेंगे, 5 बिलोंग कर रहा है, नहीं लेंगे, आपके पास 8 और 9 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा बी माइनस का ए। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो इसका वेन डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास है एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। तो इसमें क्या होता है कि ए के ए में वो एलिमेंट हटा रहे हैं जो बी में शामिल है। तो देखिए ये क्या है, ए का ही एलिमेंट है ये पूरा और इसमें इतना बी का शामिल है। तो आपके पास इस तरीके से अगर दिखाएं तो सारे एलिमेंट्स ए के लिए हैं, आपने इसमें से बी वाला एलिमेंट हटा दिया, तो ये आपके पास क्या है, ए माइनस का बी। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ए माइनस बी को इंडिकेट कर रहा है। और अगर यहाँ से वेन डायग्राम हम बनाते हैं बी माइनस ए का, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सारे एलिमेंट्स किसके लिखे जाएंगे, सारे एलिमेंट्स बी के होंगे। अब उसमें से आप ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो ये इस तरीके से ये ग्राफ किसका होगा, ये आपके पास वेन डायग्राम होगा बी माइनस ए का। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग अपने एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए सेट्स। मतलब आपको यहां पर यूनियन फाइंड करना है। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है, कैपिटल एक्स हमारे पास यहां पर गिवन है 1, 3, 5 एंड कैपिटल वाई हमारे पास गिवन है 1, 2, 3। अब इन दोनों का हमें यूनियन चाहिए, तो आप कह सकते हो यक्स यूनियन वाई। तो भाई यक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, इसमें यक्स यूनियन वाई का मतलब होगा कि आपके एलिमेंट्स एक्स के भी लेंगे और हम वाई के भी एलिमेंट्स यहां पर लेंगे। तो दोनों एलिमेंट्स आपको लेना है यूनियन में, तो चलिए लेते हैं यहां पर। और रिपीटेड एलिमेंट्स केवल एक बार लिखा जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखिए सारे एलिमेंट्स एक्स के भी लिखे हैं, वाई के लिखे हैं, तो जो रिपीट है वो केवल एक बार लिखा है। तो ये हो गया एक्स और वाई का यूनियन हो गया। सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर इसी तरीके का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे। तो ए बी सी हो गया,
आई ओ यू, तो ये आपके पास क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। चलिए नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास कह रहा है ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और थ्री का मल्टीपल है। तो भाई नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, लेकिन थ्री का मल्टीपल कौन होगा उसके साथ साथ, तो उसमें से थ्री का मल्टीपल हम निकाल लेते हैं। तो कौन होगा, 3 6 9 12, ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर नहीं है और थ्री के मल्टीपल है। ठीक है, चलिए बी नंबर की हम बात करते हैं। बी नंबर हमारे पास क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब यहां पर हमारे पास कह रहा है कि नेचुरल नंबर आपको लेना है, और कैसा लेना है, लेस देन 6 लेना है। तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो भाई इसका क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को आप यहां पर लिखेंगे, तो सारे एलिमेंट्स को लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट। तो मतलब ये एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब आपके थ्री के मल्टीपल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हम लेंगे और बाकी थ्री के मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, आगे हमारे पास क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एंड वन इज लेस दैट यक्स एंड ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू 6। तो भाई नेचुरल नंबर यहां पर क्या कर रहा है, वन को आप कंटेन करना है और बी को सिक्स को वन को कंटेन नहीं करना है। ठीक है, वन से आपके पास एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है और सिक्स से या सिक्स से लेस है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ये ए वैल्यू आएगी हमारे पास। बी वैल्यू की बात करें तो बी वैल्यू हमारे पास क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एंड 6 इज लेस देन यक्स एंड आल्सो लेस देन 10। तो देखिए आपको नेचुरल नंबर चाहिए और 6 10 के मिड में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 7 8 9। तो अब आपका यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिख लें तो यहां पर वैल्यू क्या कह रही है, नेचुरल नंबर आपके पास देखिए सीरियल से दे रहा है, वन हमारे पास नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से लेस है। तो आप कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर एंड वन इज लेस देन यक्स एंड आल्सो लेस देन 10। ऐसा हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर हमारे पास कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, एंड बी इज इक्वल टू 5। तो भाई अगर इसमें यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो नल सेट है, नल सेट में आपके पास, और इस 1 2 3 का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 2 3 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास होगा ए यूनियन बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है लेट ए इज इक्वल टू सेट में हमारे पास है ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल टू यहां पर गिवन है ए बी सी, और आपसे कह रहा है इज ए सबसेट बी, आपसे पूछ रहा है क्या ए सबसेट बी है। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे ए के सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, बी। ठीक है, जो ए और बी के जो एलिमेंट्स है बिलोंग कर रहा है बी में, सो ये क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, या कह सकते हैं सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ऐसा आप कह सकते हैं।
सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी देन क्या हमारे पास ए सबसेट बी है। अब ये पूछ रहा है ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को आप लिखेंगे भाई, तो सारे एलिमेंट्स को लिखिए, सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे, तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी। और अगर इसको हम देखें तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो रहा है, ये बी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड नंबर में आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, यानी आपके पास दो सेट ए और बी इस तरह से हैं कि आपका क्या कह रहा है, ए सबसेट बी है, और आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सेम क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगर ए सबसेट बी हमारे पास ये गिवन है तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके पास ये नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास कह रहा है If A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5, 6 B is equal to 3, 4, 5, 6 and C is equal to 5, 6, 7, 8 C is equal to 5, 6, 7, 8 and D is equal to 7, 8, 9, 10 D is equal to 7, 8, 9, 10. Then find the value of A union B. First number आपसे कह रहा है A union B. तो भाई A union B का मतलब होगा कि सारे elements A के भी लेंगे और B के भी सारे elements को contain करना चाहिए। तो दोनों elements को हम यहाँ पे लिख लेंगे तो value आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6. जो repeated elements है वो केवल एक बार लिखा जाएगा। देखिए A और B के सारे elements को हमने यहाँ पे लिख लिया और ये हो गया A union B. सेकेंड नंबर की बात करें ए यूनियन सी, तो ये भी हमारे पास वैसे ही होगा, ए यूनियन सी की बात करें सारे एलिमेंट्स को लिखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख लिए और सी के भी सारे एलिमेंट्स हमने यहां पे लिख लिए, ये हो गया ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर बी यूनियन सी, तो बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स, तो बी के सारे एलिमेंट 3, 4, 5, 6 और ये है 5, 6, 7, 8 तो सारे एलिमेंट्स लिए रिपीटेड कॉल एक बार लिखा जाएगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये हमारे पास क्या है बी यूनियन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी यूनियन डी की, बी यूनियन डी तो सारे एलिमेंट्स क्या लिखेंगे बी और डी के, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, 4, 5, 6 और डी के एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 10 तो ये हमारे पास है बी यूनियन डी। अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू, तो देखिए बी यूनियन सी ए यूनियन बी हमारे पास ये निकला हुआ है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ये है और इसका किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है, तो भाई सारे एलिमेंट्स इन दोनों के लिखे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए यूनियन बी के लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अब सी के हम साथ इसके साथ लेना है तो क्या हो जाएगा, 5, 6 तो पहले से लिखा हुआ है, अभी क्या हो जाएगा 7, 8 तो ये हमारे पास क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरीके से आपके पास क्या है सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो ये सारी वैल्यू को आप लिख लीजिएगा, ये दोनों आपके पास होमवर्क है, ओके। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो चलिए इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंटरसेक्शन का क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कह रहा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स क्वेश्चन नंबर 1 अबव, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था उन्हीं में आपको इंटरसेक्शन देखना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट में पहला क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड y इज इक्वल टू 1, 2, 3 तो इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं भाई, कॉमन एलिमेंट्स कौन है 1 है और 3 है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर हमारे पास है a इज इक्वल टू a e i o u,
एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या नजर आ रहा है, केवल ए नजर आ रहा है, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन हो गया। थर्ड नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री, क्या लिखा था मैंने भाई, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री, ये था 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास था नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन हो रहा है, केवल 3 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, केवल 3 हो रहा है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया। नंबर फोर की बात करें, नेचुरल नंबर कह रहा है नेचुरल नंबर 1 इज लेस देन x एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 6, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 4, 5, 6, ठीक है, सॉरी 3 भी होगा, नेचुरल नंबर 3 भी आ जाएंगे आपके पास, तो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। एंड b इज इक्वल टू सेट में क्या गिवन है, नेचुरल नंबर 6 इज लेस देन x एंड आल्सो लेस देन 10, 6 10 के बीच की वैल्यू को हमें देखना है, तो 7, 8, 9 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं भाई, तो इंटरसेक्शन में देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या नजर आ रहे हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5, नल सेट होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 5 नंबर की, तो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, नल सेट आपके पास होगा और वो क्या हो जाएगा, 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आगे हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।